इनसाइड आउट के दो यूजेज हैं, है ना। इनसाइड आउट के दो यूजेज में पहला यूज है द इनसाइड पार्ट ऑफ सरफेस टर्नड आउटवर्ड रिवर्स्ड, है ना, उल्टा। तुम्हारा शर्ट उल्टा है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट। अगर इसको एडवर्ब के रूप में यूज करें, जब आप बोल रहे थे योर शर्ट इज इनसाइड आउट, वहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ, ठीक है, क्योंकि वो योर शर्ट के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। दूसरा सेंटेंस है तुम शर्ट उल्टा पहने हुए हो, यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट, वहाँ पर जो इनसाइड आउट है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनसाइड आउट को हम बोल रहे हैं उल्टा, तो सिर्फ ये इस सेंस में कि जो चीज़ जनरली अंदर हो और वो क्या हो, बाहर। हम बोले बैग को उल्टा कर दो, टर्न द बैग इनसाइड आउट। शर्ट हम जब धो लेते हैं, धोने के बाद उल्टा करके सूखने देते हैं उसे, है ना, तो क्या कहेंगे, टर्न द शर्ट इनसाइड आउट एंड लेट इट ड्राई, सूखने दो इसे, तो उल्टा के सेंस में। दूसरा क्या है, वेरी वेल, कोई चीज़ तो नहीं, किसी जगह को, किसी इंसान को अगर आप पूरी तरह से जानते हैं, ये जानने के सेंस में आता है, नो समबडी इनसाइड आउट, नो सम प्लेस इनसाइड आउट। किसी जगह को, किसी इंसान को अगर आप पूरी तरह से जानते हो तो आप कह सकते हो क्या, यू नो दैट पर्सन इनसाइड आउट, ठीक है, एक्सट्रीमली वेल। मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूँ, आई नो यू इनसाइड आउट। मैं शहर को पूरी तरह से जानता हूँ, आई नो दिस सिटी इनसाइड आउट, ठीक है। तो कोई इंसान किसी जगह को जानता है पूरी तरह से, चप्पा चप्पा जानता है, कह सकते हो इसको, है ना, कि हम इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, तो क्या कहोगे आप, आई नो दिस सिटी इनसाइड आउट। और अगर किसी इंसान को आप जानते हैं इनसाइड आउट, मतलब वो क्या सोचता है, उसका मिजाज कैसा है, किस तरह का इंसान है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। तो ये दूसरा यूज़ है एडवर्ब के रूप में। पहला यूज़ क्या था कि उल्टा, रिवर्स्ड, है ना, तुम्हारा शर्ट उल्टा है, योर शर्ट इज इनसाइड आउट, तुम्हारा शर्ट तुम शर्ट उल्टा पहने हुए हो, यू आर वेयरिंग योर शर्ट इनसाइड आउट। तुम पैंट उल्टा पहने हो, योर पैंट्स आर इनसाइड आउट, और यू आर वेयरिंग योर पैंट्स इनसाइड आउट, ठीक है।